हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आप देख रहे हैं कॉटलिन ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था स्ट्रिंग के कंपैरिजंस को और कुछ मेथड के बारे में सीखा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉटलिन में स्विच जैसा कुछ भी नहीं होता है, सिमिलर होता है स्विच के जैसा, उसको कहते हैं वैन। तो दोस्तों, अगर आपने जावा में स्विच बनाया होगा, कभी बनाया ही होगा ऑफकोर्स, तो आप कुछ इस तरीके से बनाते थे। आप स्विच में कोई वैल्यू पास करते थे और केसेस बनाते थे यहाँ पर, और जो भी केस मैच कर देता था उसके बाद उसकी जो भी हमारा प्रोग्राम हम रन कराना चाहते हैं या फिर कुछ वैल्यू इवैल्यूएट करना चाहते हैं उसको करते थे, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड लगाते थे। जिससे कि ब्रेक कीवर्ड क्यों लगाते थे, ताकि हमारा जो भी केस मैच हुआ, सपोज हमारा सेकेंड केस मैच हुआ, उसके बाद के हमारे केसेस मैचेस ना हो, और अगर कोई भी केस मैच ना हो तो हमारा डिफॉल्ट केस मैच होता था और ये एग्जीक्यूट होता था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोटलिन में ना ही कोई स्विच होता है, ना ही कोई केस होता है, ना ही यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड होता है और ना ही यहाँ पर डिफॉल्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो कोटलिन में होता क्या है। तो चलिए देखते हैं, कोटलिन में एक नया कीवर्ड आया है जिसको कहते हैं वैन। तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर ए। इसको हम नाम, इसको टाइप देते हैं इंट टाइप का, और इसको वैल्यू देता हूं 2। दोस्तों, अब यहां पर जो नया कोटलिन में कीवर्ड है वो है वैन नाम का। सेम स्विच की तरीके से आप इसको मान सकते हैं कि ये स्विच है, और स्विच हालांकि ये नहीं है, पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि स्विच की तरह काम करना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर केस बनाने पड़ते थे, जैसे कि केस 1, केस 2, केस 3। यहाँ पर केस नहीं बनाते, यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं कि हमें किस वैल्यू से मैच कराना है। सपोज हम इसको मैच कराना चाहते हैं कि अगर ये 1 है, उसके बाद इक्वल्स ऑपरेटर को रिप्लेस कर दिया इन्होंने एरो से, और उसके बाद जो भी आप काम करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ println, यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ कि ये जो वैल्यू अगर मैच हुई है तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाए। उसके बाद मैं सेकंड केस बना देता हूँ println, यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ 2। उसके बाद एक और केस बना लेते हैं println, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। दोस्तों, ये तो हमारे हो गए केस और यहाँ पर उसकी वैल्यू, और यहाँ पर हमें सेमी कोलन लगाने की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही छोटा कोड बन जाता है कोटलिन में, जो कि इसकी खास बात यही है कि कोड को प्रिसाइज कर दे। और यहाँ पर हमारे पास जैसे कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है कि डिफॉल्ट एक कीवर्ड है, अगर कोई भी केस मैच ना हो तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पर हमारे पास डिफॉल्ट तो होता ही नहीं, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा एल्स, और उसको भी एज अ केस की तरह यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पर नथिंग मैच, नॉट मैच, MATCHED, नॉट मैच। और अब चलिए इसको देख लेते हैं क्या ये वर्क करता है। ये बहुत ही क्लीन कोड, मेरे को तो बहुत ही पसंद आ रही है कोटलिन। हालांकि जावा तो पावरफुल है ही, पर ये जावा को और भी पावरफुल। तो हमारा आउटपुट आ गया है जो कि आना चाहिए था 2, क्योंकि हमारा यहाँ पर सेकंड केस मैच हुआ और हमारे पास रिजल्ट जो आया है वो आया है 2। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब एक बात और नहीं आई है इसमें, वो क्या, वो ये कि आप जैसे आपने इफ को एज अ एक्सप्रेशन यूज किया था, आप वैन को भी एज अ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था वैर, और इसको नाम देता हूँ स्ट्रिंग, और str लिख देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं, और ये होगा स्ट्रिंग टाइप का, और इसको मैं इसमें वैल्यू डालना चाहता हूँ वैन से। तो वैन से जब मैं इसमें वैल्यू डालना चाहता हूँ, तो अगर हमारा केस 1 हुआ तो यहाँ पर कुछ रिटर्न करना चाहिए, पर ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। प्रिंट तो हमें कराना नहीं है, तो हमें यहाँ पर, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें स्ट्रिंग इसमें स्ट्रिंग पास करनी है, तो और यहाँ पर हमारा कुछ और रिटर्न कर रहा है, तो हम प्रिंट को हटा देते हैं, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग को रिटर्न करते हैं, नीचे वालों से भी हटा देंगे फटाफट। और यहाँ पर अगर कुछ भी मैच ना करे तो हमें रिटर्न करे नॉट इंटरेस्ट, नॉट मैच्ड। उसके बाद हम यहाँ पर एक प्रिंट एलन, यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं स्ट्रिंग के अंदर कराते हैं str इज $str।
तो चलिए हमारा ये वर्क करना चाहिए। हमने जो है वैन के अंदर स्विच केस को एज अ स्विच केस ही मान लीजिए आप इसको, कि यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है कि कौन सा केस मैच कर रहा है। उसके बाद ये वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर ये मैच करता है वन को तो वन रिटर्न करेगा, टू को तो टू रिटर्न करेगा। उसके बाद जो वैल्यू है हमारी एसटीआर में आ जाएगी और उसको यहाँ पर हम प्रिंट करा के देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं चलो इसको चेंज कर देता हूँ थ्री से, और हमारा यहाँ पर थ्री थर्ड केस मैच करना चाहिए। रन करके देखते हैं। यस बिल्कुल, ये ठीक काम कर रहा है, एस टी आर इज थ्री। अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ और वैल्यू दे दूँ जो हमारे केसेस में हो ही ना, इसको रन करके देखते हैं, तो हमारा एल्स वाला पार्ट जो कि डिफॉल्ट पार्ट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो एस टी आर इज नॉट मैच्ड, ओके, तो ये काम कर रहा है। दोस्तों जैसे कि हमारा, अगर हम एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं एज अ एक्सप्रेशन किसी भी इफ को या वैन को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें एल्स पार्ट होना जरूरी है। अगर हम एल्स पार्ट को हटा देते हैं, मतलब कि डिफॉल्ट पार्ट को हटा देते हैं, तो इसमें भी वैन एक्सप्रेशन मस्ट बी एग्जॉस्टिव एंड नेसेसरी एल्स ब्रांच, इसमें एल्स ब्रांच होनी ही चाहिए। तो एल्स ब्रांच के बिना हम इसको एज एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, जिसका नाम है गीकी गंग। थैंक यू, धन्यवाद।